नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मौसम भले ही ठंडी का आ रहा हो, लेकिन राजनीतिक पारा उछाल पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है। और इतनी गर्मी में भी कहीं कंबल बांटने का मामला सामने आता है तो कहीं घड़ी। अपने दादाओं की पुरानी विरासत को विलय कर दूसरे दलों में जा रहे हैं कोई, तो कोई आज बीजेपी में तो कल कांग्रेस में। ऐसा ही सिलसिला आजकल जारी है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस में बिंध में सबसे बड़ी बगावत सिद्धार्थ तिवारी ग्रुप में हुई। केदारनाथ शुक्ला चुनाव लड़ेंगे, नारायण त्रिपाठी भी चुनाव लड़ेंगे। यादवेंद्र सिंह तो कांग्रेस छोड़ बीएसपी से टिकट ही ला रही है। रत्नाकर चतुर्वेदी जो लगातार बीजेपी से दावेदारी कर रहे थे, वह भी बीजेपी से बगावत कर बीएसपी से टिकट लाए। वहीं सुख बुगाहट अब रीवा से कविता पांडे को लेकर तेज है कि कहीं कांग्रेस में एक और बड़ी बगावत तो नहीं होने जा रही है। आपको बता दें कि जैसे ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की दूसरी सूची जारी की, तो रीवा सीट से राजेंद्र शर्मा को टिकट मिली। वैसे ही कविता पांडे का सोशल मीडिया में पोस्ट वायरल हुआ कि कांग्रेस के सभी दायित्वों से खुद को मुक्त करती हूँ। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है। खैर, अभी तक आधिकारिक तौर पर कविता पांडे का इस्तीफा सामने नहीं आया है। आपको बता दें, कविता पांडे महापौर चुनाव में भी टिकट न मिलने से निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी इस बार विधानसभा का टिकट देगी और लगातार प्रयास रखती, लेकिन हुआ इसके उलट। कांग्रेस ने राजेंद्र शर्मा को मैदान में उतारा, जो कि अब तक एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। अब ऐसे में दीदी की राय क्या होगी? क्या बीएसपी में जाकर चुनाव लड़ेंगी या फिर निर्दलीय? सूत्र बताते हैं कि कविता पांडे बीएसपी से चुनाव लड़ सकती हैं और सूबे में कांग्रेस का खेल भी बिगाड़ सकती है। अब ऐसे में रीवा में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई है। जो कांग्रेस रीवा में बगावत और गुटबाजी के लिए जानी जाती है, एक बार फिर वही निकल कर सामने आ रहा है। जन चर्चा है कि ऐसे में राजेंद्र शर्मा के लिए चुनाव निकालना मुश्किल हो जाएगा यदि कविता चुनाव लड़ती हैं तो। खैर, होता क्या है आगामी दिनों में पता ही चल जाएगा, क्योंकि 21 तारीख से नामांकन होने हैं, 17 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में बागी नेता जल्द ही निर्णय ले सकते हैं कि अन्य पार्टी में रहेंगे या फिर बगावती तेवर लिए खुद की पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे। विराट 24 न्यूज की आप सभी जागरूक मतदाताओं से अपील है कि 17 नवंबर को मतदान अवश्य करने जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आचार संहिता का पालन अवश्य करें। न करने वालों की सूचना चुनाव आयोग या फिर प्रशासन को अवश्य दें, जिससे लोकतंत्र की शुचिता बनी रहे।